रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में ग्लोबल डायबिटीज फोरम की ओर से दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया है। सेमिनार के पहले दिन अलग अलग जगह से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने डायबिटीज को लेकर अपनी अपनी राय रखी है। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राका शिवहरी ने बताया कि इस सेमिनार के जरिए डॉक्टरों ने अपने अनुभव साझा किए हैं, साथ ही आने वाले समय में डायबिटीज को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राका शिवहरे, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर शिखा शिवहरे मधुमेह डायबिटीज़ हॉस्पिटल अवंती विहार रायपुर से, और आज हमने दो दिवसीय सेमिनार डायबिटीज़ में नेशनल सेमिनार ग्लोबल डायबिटीज़ फोरम, जो हमारा खुद का एक फोरम है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और ये डायबिटीज़ से रिलेटेड अवेयरनेस में पूरी नेशनल लेवल पर काम कर रहा है। हम ऐसे लोगों को लेके आए हैं जो इन चिकित्सा विधाओं में मूर्धन्य हैं और अपने आप में काफ़ी नाम रखते हैं। ऐसे 27 नेशनल फैकल्टीज़ जो विश्व भर में अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश करते रहते हैं, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और हमारे छोटे से प्रदेश में जो डायबिटीज़ की प्रैक्टिस हो रही है हर गांव खेड़े में, जहाँ पे भी जिस तरीके की प्रैक्टिस में क्या अपडेशन होना चाहिए उसके बारे में अपडेट्स बता रहे हैं। तो इससे ये होता है कि हम मुख्य धारा से जुड़ते हैं। मान लो कोई हमारा कोई घिसा पिटा अगर कोई नुस्खा चल रहा होता है तो उसमें क्या अपडेट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अमुक गांव में बैठा हुआ बहुत ज़्यादा काम से मशरूफ़ रहने वाला डॉक्टर इन सब चीज़ों से अपडेट हो पाता हो। तो जब ये नेशनल फैकल्टीज ऐसी कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो बहुत सारे ज्ञान को हम एक दूसरे पे डिसिमिनेट करते हैं। तो ये ज्ञान का की धारा प्रवाह है जिसको हमें एक एक आप लोगों के माध्यम से हर एक डॉक्टर की क्लिनिक तक पहुंचाना है कि भाई ये पेशेंट देखने का तरीका सही है, डायबिटीज़ में फुट में अगर अल्सर हो जाता है तो उसे कैसे मैनेज करना है, डायबिटीज़ का फुटवेयर कैसे डिज़ाइन करना है, यहीं बैठे बैठे कैसे भेजना है टेलीपोडियाट्री से फैक्ट्री में कि इस तरीके से डिज़ाइन होकर फुटवेयर बन के आए, डायबिटीज़ में होने वाले बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिसके बारे में पेशेंट बात ही नहीं करना चाहते, सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में बात नहीं करना चाहते, उसके बारे में भी ओरेशन रखा गया है, बहुत सारी ऐसी दवाओं के बारे में जो नए नए रिसर्च में आ रही हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है वो वेट पे कैसे काम करेंगी, क्या है, सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च के से रिलेटेड पेपर्स रखे गए हैं। 4 पेपर्स को हम अवार्ड भी दे रहे हैं, 40 पेपर्स लोगों ने हमारे पास भेजे थे, उनमें से 4 पेपर्स को हमने सिलेक्ट करके बाहर रखा हुआ है, और हमारे को इस चीज़ का बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारी छत्तीसगढ़ की जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो बहुत ही अपडेटेड रहती है, और हमेशा ऐसे जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें अच्छे प्रोत्साहित रूप से आप पब्लिक को देख के ये कह सकते हैं और डॉक्टर्स के पार्टिसिपेशन को ये देख के कह सकते हैं कि लोगों ने हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। तो आप लोगों के माध्यम से हम एक छोटे से मैसेज में यही कहना चाहेंगे कि ABCD ऑफ डायबिटीज़ क्या है। ABCD ऑफ डायबिटीज़ में हमें हर मरीज को, हर घर में, हर आदमी को सेंसिटाइज करना है। मीडिया का उद्देश्य इसलिए और बढ़ जाता है कि वो घर घर तक पहुंचती है। ए से आता है A1C। A1C एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम पिछले 3 महीने के शुगर के बारे में पता कर सकते हैं, जिसको HbA1c कहते हैं, उससे हमें पिछले 3 महीने का कच्चा चिट्ठा पता चल जाता है। अगर वो 6.5 से ऊपर है तो आप डायबिटिक हैं, 5.7 से 6.5 है तो आपको डायबिटीज़ होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बी से आता है ब्लड प्रेशर, सी से आता है कोलेस्ट्रॉल, और डी से आता है डाइट एंड एक्सरसाइज। तो ये ABCD है जो हर घर में, हर परिवार में होना चाहिए, हर किचन में फॉलो होना चाहिए, और इसके आधार पर ही हम इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो डॉक्टर्स जो ये कम्युनिटी आपस में बैठती है, आपस में जब बैठ के बात करती है तो आपस की चीज़ों को डिस्कस करती है, रिसर्च के बारे में डिस्कस करती है, नए मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करती है, ताकि उससे छन के जो सबसे अमृत निकल के आए वो प्रिस्क्रिप्शन के रूप में आए और मरीज का भला हो सके। पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक ही डिक्टम है, वो है नापो तो जानो। जब तक हर आदमी को लगता है कि उसको तो शुगर हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत एक्सरसाइज करता है, एकदम पतला दुबला है, और वो इस चीज़ को इग्नोर करता जाता है इंस्पाइट कि उनके घर में भी लोगों को है डायबिटीज़। तो हमको एक अपना एक बनाना चाहिए कि जैसे अपने बर्थडे के दिन में या किसी एक पर्टिकुलर डे में हमको अपनी शुगर या फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए। उसमें
फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर, खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर नापनी होती है। तो आप एक बना लीजिए कि आपको साल में एक बार ये चेकअप कराना है, अगर जो फैमिली में किसी को हिस्ट्री है, या हम लोग के स्क्रीनिंग कैंप्स भी लगते हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ब्लड शुगर नापी जाती है, रैंडम शुगर, अगर जो वो कुछ गड़बड़ होती है, या फिर 3 महीने की HbA1c शुगर होती है वो अगर जो 6.5 से ऊपर आती है तो उन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है और तभी उन्हें पता लगता है इसी स्क्रीनिंग प्रोग्राम के द्वारा। तो ये सब करना चाहिए। और पब्लिक के लिए, अगर जो किसी पेशेंट को बहुत बार बार यूरिन आती है, वेट लॉस हो रहा है, बहुत भूख लग रही है, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, स्पेशली स्किन के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो उनको जाके वहाँ पे अपना नियरेस्ट लैब में जाके फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर करा के अपने रेस्पेक्टिव फिजिशियन रायपुर